विश्व कप 2023 के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी, जिसके लिए आज 15 सदस्यीय ऑस्ट्रेलिया टीम की घोषणा हो चुकी है। इस 15 सदस्यीय टीम की 8 खिलाड़ी फिलहाल भारत में विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे हैं। ये 8 खिलाड़ी विश्व कप खत्म होने के बाद T20 सीरीज के लिए भारत में ही रुक जाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 23 नवम्बर को विशाखापत्तनम में शुरू होने वाली 5 मैचों की सीरीज के लिए शनिवार को अपनी टीम की घोषणा की है, जिसमें विकेट कीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेट को ऑस्ट्रेलिया टीम का कप्तान बनाया गया है। इस टीम में अनुभवी खिलाड़ी डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल, मार्क स्टोनिस और एडम जैम्पा शामिल हैं। विश्व कप टीम के सदस्य जोस इंग्लिश और सीन अबॉट और ट्रेवलिंग रिजर्व तनवीर संघा भी भारत में रहेंगे। IPL स्टारर टीम डेविड, मैट शॉट और नॉर्थन एलिस विश्व कप के एंड में महाद्वीप में अपने ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथियों के साथ शामिल होने के लिए तैयार है। पैट कमिंग्स पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के घरेलू टेस्ट समर की तैयारी के लिए विश्व कप का पूरा होने पर स्वदेश लौट आएंगे। कमिंग्स के अलावा मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, मिचेल मार्श और कैमरून ग्रीन भी इस T20 सीरीज में शामिल नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम के चयन अध्यक्ष जॉर्ज बेली भारत से खेलने के लिए चुनी गई टीम में अनुभव और युवाओं के मिक्सचर से खुश हैं और उनका मानना है कि वे 5 मैचों के दौरान खुद को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। उन्होंने बताया कि यह खिलाड़ियों के मिश्रण वाली एक अनुभवी टीम है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहला अवसर मिला है और हमें उम्मीद है कि हमारे T20 ग्रुप में महत्वपूर्ण खिलाड़ी विकसित होते रहेंगे। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।